आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना हासिल का घटाना। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास दो सवाल है जो कि एक एक लाइन का और दूसरा दो लाइन का है, ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी टू यम में। तो सबसे पहले हम पहले नंबर को करेंगे, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर को। इससे आपको घटाना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 9 है, 5 है और आगे घटाना का चिन्ह है माइनस। माइनस जब ऐसे हो तो इसमें घटाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर पहले कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 लाइन खींच लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे किससे घटाना है, 5 से। तो यहाँ पे 5 हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने 9 खींच रखा है, 5 लाइन काट देंगे। कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन हमने काट दिया, बचा कितना, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 बचा। हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इससे क्या हुआ, हमारा ये घटाना सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम सेकेंड नंबर पे। अगर आप लोगों को आंसर पता है फटाफट कमेंट कीजिए। अब उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, पहले इधर से कटाएंगे फिर इधर कटाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 है और 7 में से 3 आपको कटाना है, आगे माइनस है, ठीक है। तो 7 लाइन खींच लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 3 लाइन है, 3 नीचे है, 3 लाइन कट कर देंगे। 3 लाइन कट कर दिया, बचा कितना लाइन, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन बचा। हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर आगे क्या करना है, 8 में से 2 घटाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, 8 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 2 घटाना है, 2 लाइन काट देंगे, बचा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइन बचा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 उतार देंगे। अब इससे हमारा ये घटाना सोल्व हो चुका है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये घटाना समझ में आ गया होगा। जोड़ गुणा भाग घटाना हासिल वाला गुणनखंड या किसी प्रकार का भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, आप लोगों को हमारे चैनल में अच्छी तरह से बताया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, जिससे हासिल वाला वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। और आप लोगों को हासिल वाला वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।